हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तनु गुप्ता। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइट न्यूज पे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है पूर्ण राज्य का दर्जा। बिल्कुल सही सुना आपने, जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। और कब तक मिल जाएगा? 2024 में ही मिल जाएगा। तो हम चर्चा पूरी बात करेंगे, क्या है डिटेल्स में पूरी क्या है। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ऐप आ चुका है जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नेट लर्निंग ऐप, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए यहाँ पर बात उठने वाली है, और उठने वाली ही नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा घोषणा भी की गई थी चुनाव के दौरान। तो उस घोषणा को याद दिलाया जम्मू कश्मीर के लोगों ने, तब जाकर ये चर्चा सामने आई है। कब तक वो जाएगा, इस टॉपिक पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। ऐतिहासिक क्या था, जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ, संविधान से कैसे अलग है, जब नहीं हुआ था तो किस तरीके से संविधान से अलग, तब हो गया है तो किसमें, अब इसमें संविधान में संशोधन हो चुके, पूरी डिटेल से हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो हाल ही में जो चर्चा में है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक जो राज्य मंत्री हैं, रामदास अठावले। कौन है? रामदास अठावले हैं। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए घोषणा हो सकती है। तो मतलब कि अक्टूबर, आप समझ रहे हो कि अगस्त चल रहा है और अक्टूबर सितंबर, अगस्त सितंबर और अक्टूबर, यहां पर अक्टूबर 2024 के पहले ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। प्रमुख बिंदु की बात समझे तो 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 35 ए को समाप्त किया था। कब किया था? 5 अगस्त 2019 को। इसके बाद जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, आपको पता होगा, एक का नाम जम्मू कश्मीर और एक का नाम है लद्दाख, दोनों आपको पता ही है। 5 अगस्त 2024 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद 5 वर्ष पूरे हो चुके, कितने? 5 साल पूरे हो चुके हैं आर्टिकल को हटने के बाद, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश हुए 5 साल हो चुके हैं, और इसीलिए अब बातें वो सामने आने लगी हैं। केंद्र सरकार इस वर्ष जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की घोषणा कर सकती है। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। अक्टूबर से पहले महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में भी चुनाव होने हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। गृह मंत्री के कुछ वादे थे चुनाव के दौरान, वादों को हम थोड़ा सा याद करेंगे और डिटेल से समझेंगे। तो रामदास अठावले ने जम्मू कश्मीर के लोगों से रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने की अपील की थी। किसने की थी? रामदास अठावले ने की थी जम्मू कश्मीर के लोगों से, कि मतदान इतना करो कि लोग कहें कि क्या बात है। तो इसीलिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के वादे को याद दिलाया, जो वादा किया था अमित शाह जी ने। जब गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करते समय घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, और लोकसभा चुनाव में भारी मतदान होगा, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए हम लोगों की सराहना की जाएंगे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कोशिश करेंगे, तो उसी उसकी याद में ही उन्होंने, रामदास जी ने उनको बताया हुआ याद दिलाई संसद में कि अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना चाहिए। अनुच्छेद 370 को निरस्त होने के बाद यहाँ पर्यटन में भी काफी वृद्धि हुई है। जो विदेशी हैं उनके साथ साथ यहाँ पे 2.11 करोड़ से अधिक पर्यटक आ चुके हैं। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर से अनुसूचित जाति के छात्रों को 2 लाख से अधिक प्री और प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, ओबीसी छात्रों को 84,000 से अधिक छात्रवृत्ति यहाँ पर दी गई है। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम शुरू होने की योजना बना रहे हैं, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 16 वृद्धाश्रम संचालित भी। संसद की किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की शक्ति क्या होती है, और उसके बाद देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और उसके बाद हम देखेंगे क्या था अनुच्छेद 370 और किस तरीके से जो बदला गया है, पहले क्या था और अब क्या है, इनको भी हम देखेंगे। तो एक एक करके ही देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन डिटेल से देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। संसद की किसी राज्य को अगर केंद्र शासित प्रदेश को बदलने की शक्ति होती है, क्या शक्ति है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का खंड का क्या कहता है उसमें समझते हैं। आर्टिकल 3 के खंड क्लोज वाई का के तहत कहता है, नया राज्य बनाने का अधिकार संसद को है, नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिकार है, राज्य का क्षेत्र बढ़ाने और घटाने का अधिकार है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है। इतनी सभी चीजें आर्टिकल 3 के तहत की जाती हैं। अनुच्छेद 3 का स्पष्टीकरण दूसरा क्या कहता है कि अनुच्छेद 3 का खंड 1 के तहत संसद के पास किसी राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से को
किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मिलाकर एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति भी किसको प्राप्त है? केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि संसद को प्राप्त है, ध्यान रखिएगा किसको संसद को प्राप्त है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर राज्य ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने का फैसला किया हुआ था। मतलब कि 1947 का समय था, आपको पता होगा जब देश आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर के हरीसिंह गौर शासक थे, उन्होंने ना तो पाकिस्तान में शामिल हो गए और ना ही भारत में शामिल हो गए, ऐसा उनका फैसला था। भारत इस फैसले का स्वागत भी किया था, लेकिन पाकिस्तान ने राज्य को सैन्य रूप से जोड़ने का प्रयास किया और महाराजा हरीसिंह ने अपने क्षेत्र और पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मारे जा रहे और लूटे जा रहे लोगों को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी थी। क्योंकि जब ये फैसला था महाराजा हरीसिंह का कि न तो हम पाकिस्तान में जाएंगे और न हम भारत में जाएंगे, तो भारत ने उसका स्वागत भी किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान ने इस राज्य को सैन्य रूप से मतलब कि आतंकवादी समूहों के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया, तो महाराजा हरीसिंह चिंतित हुए और लोगों के मारे जाने और लूटे जाने के कारण उन्होंने भारत से मदद मांगी। तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार कर लिया, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप भारत में हिस्सा नहीं बनते। तो महाराजा हरीसिंह ने प्रधानमंत्री से कहा कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं और एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, और जब हस्ताक्षर हो गए तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते ही भारत ने मदद की और आतंकवादी जो समूह था उसको बाहर खदेड़ दिया था, ध्यान रखिएगा। तो ये थी पूरी पृष्ठभूमि। तो ये है भारत के प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू जी, और ये है महाराजा हरीसिंह गौर। क्या था अनुच्छेद 370? तो अनुच्छेद 370 दरअसल भारत से जम्मू कश्मीर के संबंधों की रूपरेखा को निर्धारित करता है। इसे भारत के संविधान 17 अक्टूबर 1949 को इसमें शामिल किया गया था। कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1949 को इसको शामिल किया गया था भारत के संविधान में, अनुच्छेद 370 कहता है। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को अपना संविधान खुद तैयार करने का अधिकार देता था। नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान का काम पूरा हुआ और 26 जनवरी 1957 को लगभग एक साल तक यह संविधान का कार्य होते होते और राज्य में संविधान को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1957 को राज्य का नाम, सीमाओं और इसकी विधायिका की सहमति के बिना कुछ भी नहीं बदला जा सकता था, और सिर्फ केंद्र सरकार को, सिर्फ संसद को सिर्फ तीन चीजें प्राप्त थी। कौन कौन सी थी? तो भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों में थी, रक्षा, विदेश मामले और संचार के मामले में कानून बना सकती थी, अन्यथा किसी भी मामले में कानून बनानी होती थी तो उसको विधायिका की परमिशन या सहमति लेनी होती थी। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के मामले में संसद को संसदीय शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोकता था, क्योंकि संसद कोई भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता था तो वहां से विधायिका से परमिशन लेनी होती थी या सहमति लेनी होती थी, तभी वो चीजों को चेंज कर सकता था। लेकिन सिर्फ तीन मामले ऐसे थे, रक्षा, विदेश और संचार, वो उस पर कानून बना सकती थी। इसके अलावा किसी अन्य कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य से मंजूरी लेना अनिवार्य बना दिया गया था। तो भारतीय पार्लियामेंट में अब क्या धारा 370 हट चुकी है, धारा 377 जब हट चुकी है तो पहले क्या था और अब क्या था, एक हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से पहले और अब, ठीक है। पहले और अब में हम अंतर को समझेंगे एक बार। तो पहले क्या था, जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त था, लेकिन अब कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर के लिए दोहरी नागरिकता थी, लेकिन अब सिर्फ एकल नागरिकता है। जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा था, जो तिरंगा था वो अलग था, लेकिन अब पूरे भारत का एक ही तिरंगा है। आर्टिकल 356 को लागू नहीं होता था पहले, लेकिन अब आर्टिकल 356 भी लागू होता है। आर्टिकल 360 आर्थिक आपातकाल का जो है वो लागू नहीं होता था, हालांकि आज तक पूरे भारत में कहीं भी आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हुआ है, लेकिन पहले लागू कर ही नहीं सकते थे, लेकिन अब उसको लागू हम कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन अब अल्पसंख्यकों को आरक्षण के लिए योग्य है। दूसरे राज्य को जम्मू कश्मीर के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं था और वो खरीद नहीं सकते थे, लेकिन अब क्या है, दूसरे राज्य लोग जम्मू कश्मीर में जाकर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। आरटीआई लागू नहीं था, जो आरटीआई है वो लागू नहीं था, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, लेकिन अब आरटीआई लागू है। विधानसभा का जो कार्यकाल था पहले 6 साल का था, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो विधानसभा कार्यकाल है 5 साल है। लेकिन अभी क्या है जम्मू कश्मीर, ये आपको नहीं भूलना है, अभी जम्मू कश्मीर है एक केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। लेकिन जिस चीज की मांग उठ रही है वो किस चीज की उठ रही है? वो उठ रही है पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। तो अब पूर्ण राज्य का दर्जा जब इसको मिल जाएगा तो इसके कुछ और प्रावधान बदल जाएंगे। जब हो जाएगा तो उस पर भी हम एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, उस पर बात भी करेंगे। एक संभावित प्रश्न है जिसका आंसर आपको हर बार की तरह इस बार भी कमेंट में देना है, केंद्र सरकार किस महीने तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जो चुनाव है कराने की घोषणा कर सकती है? तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगस्त। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। उम्मीद है सारा सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। तो वीडियो पे बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।